कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर कारगर लगाम लगाने के उद्देश्य से पंचायत राज विभाग द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों के माध्यम से पूरी सुरक्षा के तौर पर पीपीई किट एवं मास्क का प्रयोग करते हुए सोडियम हाइपोक्लोराइड से सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय भवनों तथा लोगों के घरों पर भी छिड़काव किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के नेतृत्व में चल रहे सैनिटाइजेशन में प्रमुख स्थानों के कोरोना संक्रमित लोगों के घरों तक छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। जंगला वंगला पर जहाँ कोरोना बैठा थोक है अच्छे से हटकन के उठी पर हथन पर आगे पीछे सब सर, तमाम जगह सैनिटाइजर है ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी तक क्या है? अभी जैसा कि आपको ज्ञात है कि शासन से निर्देश आया था और अभी कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है। अभी कोरोना का सेकंड वेव काफ़ी अपनी चरम सीमा पे है, लोगों का जीवन भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशानुसार गोरखपुर के सभी ग्रामीण इलाकों में दिन रात मतलब लगातार हम लोग छिड़काव कराने का प्रयास कर रहे हैं। जब सबसे पहले हमने ये कोशिश की जितने भी सार्वजनिक स्थल हों, लाइक पंचायत भवन है या बाजार है यहाँ पर, या कोई भी ऐसे पुस्तकालय हैं या जहाँ पर भी लोग बैठते हैं एक साथ, सबसे पहले हमने प्रथम चरण में वहाँ पर छिड़काव करवाया सोडियम हाइपोक्लोराइट का। इसके लिए हमने हर ब्लॉक को पहले 50-50 लीटर, पुनः 25-25 लीटर, 75 लीटर करके हर ब्लॉक को हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट भिजवाया है। 20 ब्लॉक में 1500 लीटर हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट भिजवाया है। उसके बाद जो है सबसे पहले सार्वजनिक स्थलों का, उसके बाद जो व्यक्ति किसी घर में अगर कोई कोरोना संक्रमित है उनके घर के आसपास हम लोग छिड़काव करा रहे हैं अभी तक। और इसका थर्ड फेज हम लोग प्रत्येक घर घर में जाकर के भी छिड़काव करना आरंभ कर दिए हैं। अभी तक लगभग 1700 ग्राम राजस्व गांव में, कुल मिलाकर गोरखपुर में 2878 राजस्व गांव भी हैं। हम लोग राजस्व गांव को अभी इकाई कर लिए हैं, तो 2878 में से लगभग 1700 राजस्व गांव में हमने घर घर में इसका छिड़काव करा दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर तो कराया, साथ में घर घर में भी इसका छिड़काव करा दिया, बाकी हर जगह चल रहा है। हमें उम्मीद है अगले एक हफ्ते में
जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितनी भी राजसभाएं हैं, सबको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद पुनः फिर हम सेकंड जो है इसका चरण शुरू करेंगे। सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, जब तक कोरोना पे हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तो लगातार छिड़काव जारी रहेगा। सर, महिला कर्मचारियों को भी लगाया गया सफाई कर्मियों के लिए कुछ? बिल्कुल, महिला कर्मचारी जैसा कि आपने देखा होगा मीडिया में भी आ रहा है, आप लोग भी दिखाते रहते हैं कि पुरुष कर्मचारियों के ही कंधे से कंधा मिला है, खुद ही उसके अपने पीछे पीठ पे लाद करके जो है सैनिटाइजर मशीन उसको लेकर के वो लोग खुद ही सैनिटाइजेशन कर रही हैं। गांव-गांव में जाकर के वो लोग अपने घूम घूम के जिस गांव में उनको कार्य आवंटित किया जाता है कि आज आप इस गांव में जाकर सैनिटाइज कीजिए, वो सब छोटे हाइपोक्लोराइट का लेकर के उसका पानी मिला करके खुद ही छिड़काव कर रही हैं। तो महिलाएँ भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके छोटे हाइपोक्लोराइट का छिड़काव लोगों को इस आपदा की घड़ी में मदद के लिए वो आगे आई हैं और कर रही हैं, जो कि काबिल तारीफ है।